विदिशा जिले के गंज बसौदे में आयोजित हुई बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक सांसद व कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बीजेपी की आवश्यक कामकाजी बैठक स्थानीय रघुवर गार्डन में आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ अतिथियों द्वारा महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद विदिशा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जालान द्वारा अतिथियों का परिचय कार्यकर्ताओं से कराते हुए पार्टी द्वारा जिले में आयोजित किए गए सभी कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश टंडन ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यकर्ताओं से जन जन तक पहुंचाने की बात कही। गंज बसौदा विधायक लीना संजय जैन ने क्षेत्र में निकाली जा रही विकास यात्रा के अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं कुरबाई विधायक श्री हरि सिंह सप्रे ने बताया कि लाडली बहना योजना शुरू होने से बहनों के खाते में प्रत्येक माह 1,000 की राशि पहुंचने लगेगी तथा आगामी दिनों में और भी कई योजनाएं सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए तैयार की जा रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम चुनावी वर्ष में हैं, सारे मतभेदों को भूल कर एकजुट होकर पार्टी कार्य में लग जाना चाहिए। पार्टी का नारा है अब की बार 200 पार, इसलिए केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को प्रत्येक हितग्राही तक पहुंचाएं एवं जिले की 5 सीटें जिताने के लिए कार्यकर्ता अपनी कमर कस लेना चाहिए। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों के रूप में सभी पूर्व विधायक, बसौदा नगर पालिका अध्यक्ष, प्रदेश व जिला के पदाधिकारी व पार्टी के सभी 23 मंडल अध्यक्ष और अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है, उनका क्रियान्वयन नीचे तक होना चाहिए। ये बात हमारे विधायकों ने, हमारे प्रभारी ने, वास्तव में बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना नीचे से अगर आप शुरू करें तो आप लाडली बहन योजना में हमारे प्रदेश की बहनों को बहुत मदद मिलेगी। इसका कार्यक्रम शासकीय एक आएगा, 30 योजनाओं से भी ज्यादा योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जनता के जब मीडिया बीच में पहुंचती है तो ये कहती है हमें 4 योजना का ही पता नहीं, योजना आपके द्वारा जनता तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही? देखिए, जनता तक योजना का पहुंचाई नहीं गई, लाभ भी मिल रहा है। आप किसी घर में जाएंगे, किसी गरीब के यहाँ पूछेंगे कि उज्ज्वला योजना मिली कि नहीं मिली, तो बताएंगे कि मिली। आवास बना के नहीं बना तो बताएंगे। मैंने 2 उदाहरण आपको बताए। अब विकास योजना की बात अभी जो आप कर रहे थे कि विकास की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंची हैं और उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है इसे देखने के लिए सरकारी ये यात्रा है और लोग जा रहे हैं। अब विरोध की जो बात होती है तो विरोध तो क्या है कि जो राजनीतिक हमारे हमसे जो विचारधारा सहमत नहीं है वो लोग कहीं कुछ जगह विरोध कर देते हैं। संत जी, विदिशा जिले में आपने जो ट्रेन की जो मांग उठाई है उसके साथ ही विदिशा जिले के उद्योग की भी जरूरत है, तो उसको क्या कहना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले? मैंने इसके लिए माननीय उद्योग मंत्री जी को पत्र लिखा है और बासौदा में एक ट्रेन के लिए भी आपकी जानकारी में आया होगा, मैंने प्रयागराज के लिए पत्र भी लिखा है और लोकसभा में उस मामले को उठाया भी है। मुझे उम्मीद है, मेरी चर्चा हुई है माननीय रेल मंत्री जी से कि वह शीघ्र ही इस पर क्रियान्वयन होगा। धन्यवाद।